ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 28 फंदे लिए हैं, 24 फंदे 12 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, 2 फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे स्टिच के होंगे, और नीचे से 2 रॉ उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाली है इसे बेस देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। ये इसकी फर्स्ट रॉ है और रॉन्ग साइड है। ये हमारा जो पैटर्न है ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है, तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को डालना है तो आप जो भी बॉर्डर बनाना चाहें वो नीचे से बना लीजिए, उसके बाद इस डिज़ाइन को जब भी स्टार्ट करेंगे तो इसे रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, फिर देखिए धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, धागा आगे, अब 10 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे सीधे बनाए, 10 फंदे उल्टे, ये हमारा 12 फंदों का पैटर्न है। तो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे, 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धागा पीछे, लास्ट में 2 फंदे सीधे, स्टिच उल्टा। ये देखिए फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। सेकंड रॉ है राइट साइड, स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, फिर देखिए इस सारी रॉ को सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉ थर्ड रॉन्ग साइड, स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से रॉ थर्ड को रॉ फर्स्ट की तरह ही बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे सीधे बनाए हैं और 10 फंदे उल्टे बनाए हैं। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे, 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धागा पीछे, लास्ट के 2 फंदे सीधे, स्टिच उल्टा। रो 4 राइट साइड, स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे बनाएंगे, अब देखिए धागा आगे करेंगे, चाई डालेंगे और 10 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धागा आगे करेंगे, चाई डालेंगे। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 फंदे सीधे बनाए और फिर चाई डाली, 10 फंदे सीधे और फिर चाई डाली। ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे इंक्रीज हो गए हैं। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे करेंगे, चाई डालेंगे, 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जाई डालेंगे, लास्ट के 2 फंदे सीधे, 1 2, स्टिच सीधा। रो 4 कंप्लीट हो गई है। रो 5 रॉन्ग साइड, स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, अब देखिए ये हमारा जो जाली वाला फंदा है इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब 10 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन थागा आगे एक फंदा उल्टा। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने दो फंदे सीधे बनाए, एक फंदा उल्टा, टेन फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा बनाया है। फिर से दो फंदे सीधे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, टेन फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एस्टिच उल्टा, रो फाइव कंप्लीट हो गई है। रो सिक्स राइट साइड, एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के ये देखिए जाली वाला फंदा भी साथ में लेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री, फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, टेन फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, जाली वाला फंदा सीधा बना लेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने तीन फंदे सीधे बनाए, जाली डाली, टेन फंदे सीधे, फिर जाली डाली और एक फंदा सीधा। ये देखिए यहाँ पर हमारे फिर से दो फंदे बढ़ गए हैं, तो टोटल हमारे फोर फंदे यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, ये देखिए यहाँ पर हमारे फोर फंदे सीधे हो गए टोटल। धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, टेन फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, जाली डालेंगे और लास्ट के तीन फंदे सीधे, टू थ्री एस्टिच सीधा। रो सिक्स कंप्लीट हो गई है। रो सेवन रॉन्ग साइड, एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। धागा पीछे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू, धागा आगे, दो फंदे जाली वाले उल्टे बना लेंगे, वन टू, धागा पीछे, टेन फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धागा आगे, जाली वाले दो फंदे उल्टे। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने देखिए दो फंदे सीधे बनाए, दो फंदे उल्टे, टेन फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे बनाए हैं। फिर से दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, टेन फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, लास्ट के दो फंदे सीधे बना लेंगे, एस्टिच उल्टा। रो सेवन कंप्लीट हो गई है। रो एट है राइट साइड, एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे ही रखेंगे और फोर फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, ये देखिए, फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास टेन फंदे उल्टे हैं, तो देखिए इसमें से एक फंदा हम जाली डालते हुए सीधा बुन लेंगे। अब देखिए एट फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तो धागा पीछे रखेंगे और सिक्स फंदे राइट नीडल पर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर दो फंदे एक साथ ले लेंगे और इनको सीधा बना लेंगे। अब बाकी के सिक्स फंदे इनके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमने एट फंदों का एक फंदा बना दिया है। फिर से इसको लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे और दोबारा से सीधा बुन लेंगे।
अब देखिए यहाँ से ये वाला जो इसका सेंटर का पार्ट है, यहाँ से ऐसे नीडल निकालेंगे और एक फंदा यहाँ से और बना लेंगे। देखिए दो फंदे यहाँ पर हमने बना लिए हैं। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, जारी डालेंगे और दो फंदे जारी वाले सीधे बुन लेंगे। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने देखिए फोर फंदे सीधे बनाए, फिर जारी डाली और फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर एट फंदों का एक फंदा बनाया और फिर एक फंदा नीचे से यहाँ से उठाकर हमने इंक्रीज़ किया, फिर एक फंदा सीधा जारी डाली और दो फंदे सीधे बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 12 फंदों का पैटर्न था, तो फिर से हमारे पास यहाँ पर 12 फंदे हो गए हैं। तो देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, फोर फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 जारी डालेंगे, ये 10 फंदे हैं, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा पीछे ही रखेंगे। अब 6 फंदे राइट नीडल पर शिफ्ट करेंगे, 3 4 5 6, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पर आप जितने चाहे फंदे उतने एक साथ डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और बाकी के फंदे इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे। तो ऐसे आपके इजीली 8 फंदों का एक फंदा बन जाएगा। ये देखिए फिर से इसको लेफ्ट नीडल पर एक फंदे को लेकर जाएंगे, दोबारा से इसको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो हमारा धागा है, यहाँ से ऐसे सिलाई निकालेंगे और एक फंदा और सीधा बना लेंगे। अब एक फंदा उल्टा फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे, जारी डालेंगे और लास्ट के फोर फंदे सीधे, 1 2 3 4 ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए रॉ 8 कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक बार कैसे करेंगे, फर्स्ट रॉ एंड रॉन्ग साइड ए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने दो फंदे सीधे, 10 फंदे उल्टे बनाए, फिर से दो फंदे सीधे, 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में दो फंदे सीधे स्टिच उल्टा बना लेंगे। ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही बार बार हम इसकी 1 2 8 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।